इस यूपीआई के माध्यम से आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आज मेरे को सपोर्ट नहीं किया, महाकाल की सौगंध, जीवन में कोई अध्यापक आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। इस यूपीआई के थ्रू आप मुझे सपोर्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में, मैं जिंदगी में। आप अपना नाम इस धांसु परिवार से प्यार करते हैं तो इस बैच को लेना मत भूलिए। इस बैच के थ्रू मेरे परिवार का, ये मेरे परिवार का सपना जुड़ा हुआ है। इस बैच के थ्रू मेरे परिवार का सपना जुड़ा हुआ है। ये बैच मेरे परिवार का सपना है। अगर आपने इस बैच को नहीं लिया, मेरी गुरुदक्षिणा नहीं दी, तो जीवन भर मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा परिवार इस बात के लिए मेरे से नाराज रहेगा कि आपने यूट्यूब पे आके इतने विद्यार्थियों को, लाखों नहीं करोड़ों बच्चों को मैंने पढ़ाया। ये करोड़ बच्चे जो आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, करोड़ों बच्चों को मैंने शिक्षा दी है। यहाँ पे देखिए गौर से, आप विश्वास करेंगे इस चैनल के माध्यम से। देखो इस चैनल पे 1000 वीडियो के साथ यहाँ पे देखिए 2 करोड़ में से सिर्फ मेरे को 10,000 बच्चों के सपोर्ट की जरूरत है। अगर 10,000 बच्चा मुझे सपोर्ट कर दे महाकाल की सौगंध, जिस पे जो भी सपोर्ट बन सकती है, जाने से पहले बस मैं यही कहना चाहता हूँ, 10,000 बच्चों के सपोर्ट की जरूरत है। अगर 10,000 बच्चा मुझे सपोर्ट कर देगा भैया मेरे पे, देखो मैंने आपको बताया जो बच्चा लेट जुड़े हैं कि बेटा मेरे पे बैंक का कर्ज हो चुका है, मेरे पे 50,000 का लोन हो चुका है, जिस लोन की मैं किस्त नहीं पटा पा रहा हूँ, कर्जा हो चुका है। इस कर्जे से मुक्ति के लिए मैंने घर लिया और ये स्टूडियो को 50 लाख का बैंक से लोन लिया, जिसका कर्जा हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इससे मैं मुक्ति के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से मैंने सपोर्ट मांगी है। पहला मैं स्पेशल बैच लॉन्च करके मेरे प्यारे बच्चों 10,000 बच्चे अगर इस बैच को ले लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी ये समस्या का सोल्यूशन हो सकता है और मैं आपका जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। दूंगी इसी वीडियो में इन्होंने क्या कहा है कि मैंने बहुत पैसा कमाया। ये वीडियो मात्र और मात्र 6 महीने पुराने वीडियो है। इन्होंने कहा है कि मैंने भगवान की दया से, महाकाल के आशीर्वाद से इतना पैसा कमा लिया है कि अब मैं जीवन भर आपको फ्री शिक्षा दे सकता हूं। सर, आप अपनी ही बातों को किस तरीके से तोड़ मोड़ के बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है और अब मुझे किसी भी टाइप के पैसे की जरूरत नहीं है, और बाकी इंस्टीट्यूट वाले आपसे पैसा लेकर वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूट को आप डिफेम कर रहे हैं कि आपसे वो जो पैसा ले रहे हैं वो एक धंधा चला रहे हैं। और आप सर क्या कर रहे हैं, आपने खुद ने इस वीडियो के अंदर बोला है कि बाकी इंस्टीट्यूट वाले हैं जो धंधा चला रहे हैं, जब आपने अपना खुद का एप्लीकेशन लॉन्च किया और उस एप्लीकेशन पर आप यहां पर अपने पेड कोर्सेज लेकर आए हैं, खुद के पेड कोर्सेज लेकर आए हैं। वो बात अलग होगी कि आपके पेड कोर्सेज बिके हैं नहीं बिके हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बाकी इंस्टीट्यूट वालों पे इस तरीके से डायरेक्टली आप उन पे इस तरीके के ब्लेम नहीं लगा सकते कि वो अपना धंधा चला रहे हैं और मैं फ्री पढ़ाऊंगा। अगर वो अपना धंधा चला रहे हैं और आप फ्री पढ़ाओगे, सर मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कम से कम 2,500 से 3,000 वीडियोस फ्री मिल जाएंगी। और मेरा छोड़ो सर, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जामपुर, सर 50,000 वीडियोस होंगी उनके चैनल पे फ्री वीडियोस। उन्होंने कभी इस तरीके से आकर करा है कि आप, अब मैं फ्री वीडियोस पढ़ा पढ़ा के मैं थक चुका हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने 1 करोड़ का बंगलो खरीद लिया है, सर आज मैं चाहूं तो मैं 2 करोड़ की गाड़ी खरीद सकती हूं, 2 करोड़ की गाड़ी खरीद के और फिर मैं एक दिन आके रैंडमली बच्चों के सामने एक वीडियो बना दूं कि ओ बच्चों मेरी किस्त नहीं जा रही है, मैं क्या करूं, मेरे 2 करोड़ की गाड़ी मैं मेंटेन नहीं कर पा रही हूं, मुझे प्लीज आप लोग हेल्प करो, ये मेरा यूपीआई नंबर है, आप इस पर मुझे पेटीएम करो, ये करो वो करो। सर ये एक टीचर को क्या शोभा देता है ये सारी चीजें? आप क्लास में अपशब्द यूज करते हैं और मेरी कम से कम 10 टीचर से बात हुई है, जो 10 के 10 टीचर्स ने मुझे ये कहा है कि जब जब आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये पहला इवेंट नहीं है, आपने ऐसे बहुत सारी चीजें करी है, तब तब आपने, उन्होंने गालियों में बात करी है टीचर से, आपने टीचर से भी गालियों में बात करी है। सर आप कैसे कैसे, मतलब आप एक बींग ए टीचर, आप एक टीचर हैं, दूसरे टीचर को गालियां देते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स को आप कहते हैं कि वो धंधा चला रहे हैं, सर आप क्या चला रहे हैं? आपने अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिस दिन एप्लीकेशन लॉन्च किया उस दिन आपने पेड कोर्स लॉन्च किया कि हाँ ये पेड कोर्स में आप खरीद लो बच्चों, उससे पहले आप कह रहे हो कि मैं आज के बाद आज से फ्री पढ़ाऊंगा, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, अगले 20 साल भी मैं पैसा ना कमाऊं आप लोगों से बच्चों तो भी कोई फायदा नहीं है, तो भी मैं एकदम से मैं फ्री पढ़ा सकता हूं, आपको फ्री एजुकेशन दे सकता हूं। उसके बाद आप 3 महीने में आपके साथ ऐसा क्या हो जाता है सर कि आपकी ये हालत हो जाती है? यहां पर आपने इस वीडियो में खुद ने बोला है कि मैं जीवन भर आपको फ्री शिक्षा दूंगा, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं वो सारे अपना धंधा चला रहे हैं। सर हम लोग धंधा नहीं चला रहे हैं, हम लोग एक मिनिमम कॉस्ट में बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, जिसमें हमारे टेक्नोलॉजी का खर्चा निकल जाए और हम सबका जो जीवन है, एक पर्सनल लाइफ है, जो एक जीवन जीने का तरीका है, वो हम सबका निकल जाए। आप यहां पर इस वीडियो में रो
धोकर इस तरीके से आपने रो धोकर अपनी वीडियो में आपने रोना शुरू कर दिया कि मैं इस तरीके से मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा और मैं ये देखिए ये आपने 48 घंटे की मैराथन ली और इसमें आप चिल्ला रहे हैं कि इतनी लड़कियों को जोड़ो, इतने लड़कों को जोड़ो, लड़कियों को जोड़ोगे तो लड़के अपने आप पीछे आ जाएंगे।